नमस्कार दोस्तों, अद्भुत आयुर्वेद के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे बालों की टूटने और झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिव्य और अद्भुत नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके भी बाल अगर कमजोर है, बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बालों के टूटने और झड़ने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के ऑयल, शैम्पू और साबुन का उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस केमिकल युक्त शैम्पू और ऑयल से हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, बल्कि और ये हमारे बालों की ग्रोथ को रोक कर उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको बालों की हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो ज़रूर आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक औषधि का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब से हमारे देश में साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल आए हैं, तभी से हमारे बालों की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों प्राचीन काल में कभी भी किसी को बालों की समस्या नहीं होती थी, और आपने हमारे प्राचीन चित्र और ग्रंथों में साधु संतों और महात्माओं के बालों को देखा होगा। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी बालों की समस्या नहीं होती थी और उनके बाल बहुत ही खूबसूरत और मजबूत होते थे। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो नुस्खे बताऊंगा वो आपके बालों की टूटने और झड़ने की समस्या से 100% छुटकारा दिलाएंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे में आपको सामग्री लेना है 4 आंवले और 1/2 गिलास नारियल का शुद्ध पानी, या फिर आपके पास नारियल का पानी नहीं है तो आप शुद्ध नारियल का तेल ले सकते हैं। दोस्तों आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको सुखा लें और फिर इसका पाउडर बनाकर या फिर मिक्सर की सहायता से नारियल के पानी में अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों इस तैयार तेल का उपयोग आपको बालों की जड़ों पर करना है और अच्छे से मालिश करना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल नियमित 15 दिन तक लगातार करना है दोस्तों, तभी आपको 7 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें सावधानी रखना है, केमिकल युक्त साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो अद्भुत नुस्खा है उसमें आपको सामग्री देना है 10 आंवले। आंवले को अच्छे से सुखा लें और फिर इसको पानी में उबाल ले। उबालने के बाद इसका पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाना है दोस्तों और मालिश करनी है। दोस्तों इस प्रयोग से जिनको भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है उनके बाल झड़ना बंद कर देगा यह प्रयोग और नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग हफ्ते में 2 से 3 बार अवश्य करें, और इस नुस्खे में आपको सावधानी रखनी है, केमिकल युक्त साबुन शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो की आई आइकन पर क्लिक करके बालों की हर समस्या का रामबाण नुस्खे देख सकते हैं। और दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या और किसी भी प्रकार की डिसीज से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसका रामबाण इलाज बताता हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।